लाठियों वाला। क्या नाम है? तिमर। तिमर जी। अच्छा तिमर, क्या गुवाही है? मेरे ना 11 साल से ना यूट्रस में ट्यूमर था, तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा था कि मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो गए थे नहीं करवाना। तो मेरी एक आंटी थी, उन्होंने बोला कि आप घूमते जो जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे क्या फ़ायदा होगा जाके। मैं ना सरगोधा से फैसलाबाद तक ट्रीटमेंट करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं ना मेडिसिन और मज़ीद नहीं खा सकती। तो मेरा ही मान नहीं है कि मुझे ना शिफा। तो ट्यूमर का क्या हुआ फिर? गायब हो गया? वो रिमूव हो गया। 11 साल से वो कह रहे हैं मेरे यूट्रस में ट्यूमर था और डॉक्टर्स कहते थे ऑपरेशन होगा, फिर किसी ने कहा कि गिरजे में आओ गुमटी वाले में, और यहाँ पर 11 साल के बाद आई और इसका ट्यूमर गायब हो गया है। खुदा का शुक्र। जी आपका नाम? मेरा नाम सोनिया सलीम है और मैं बेसिकली कमालिया शहर की रहने वाली हूँ। इधर मैं चिन्योट हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ जॉब करती हूँ। 3-4 हफ्ते से लगातार मैं इधर आ रही हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के डाली है। मेरा छोटा भाई जो था वो बहरीन है, विजिट वीज़े पे गया था, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के डाली। तो 3-4 हफ्ते से प्रेयर भी कर रही हूँ और अभी उसका वर्क वीज़ा लग चुका है। खुदा ने भाई को बहाल कर दिया। जी आपका नाम? मेरा नाम हिना है, ये मेरी नंद है। अच्छा। इसकी ये बेटी, उसके बाद इसके 2 मिसकैरिज हो गए। फिर मैंने इधर आके दुआ की कि खुदा बाप इसको जिंदगी वाला बेटा दे, और खुदा ने जिंदगी वाला बेटा दिया। ये आपकी क्या लगती है? नंद मेरी। बड़ी सुलह फिरते। ये इसकी नंद है और इसके 2 मिसकैरिज हो गए थे, 2 बच्चे जाया हो गए थे पेट में, और फिर यहाँ से लेकर ही और हमने दुआ की और अगला बच्चा तीसरा सही सलामत इस दुनिया में आया। खुदा का शुक्र हो। ऐसे ही जी, ठीक है। ये कि ना है थोड़ा नौशी सुलह ना आपस, तो सुलह ही रखियो। चलो जी आगे आए। सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण अख्तर है, मैं डिजकोट से आई हूँ। अच्छा डिजकोट। ये मेरी पोती है, इसकी गवाही है। अच्छा अच्छा, पोती ने गवाही देनी? हाँ जी, बाद में लाएं। हाँ जी हाँ जी। ते 11 साल बाद खुदा ने सानू ये पोती दिती है। सुन लिया जी तुसी, पिछले हफ्ते में एक 20 साल, एक 16 साल और ये 11 साल के बाद खुदा ने ये बेटी दी है, और उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ पर दुआओं के वसीले ने खुदा ने ये बड़े बड़े काम किया है। और शहर से ना बड़े बच्चों का नाम है जावा तो पता लगता है अमर के। मैं क्यों पाड़ी साहब 12 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, तो अभी तो नाम रख दिता है। खुदा का शुक्र हो। बच्ची रोंदी बड़ी सी, इत्थे 4-5 वारी आए ने, तो बच्ची फिर ठीक हो गई है। खुदा का शुक्र। चलो चल शाबाश। और इन्हां दी तुसी कौन हो? वालदा। होर किन्ने चाहिए नी? बतेरे नहीं, सही 10-2 चाहिए ने, 3 चाहिए। उन्हें लिए दुआ, असी उन्हें लिए बरकत देनी। 3 जी सुन लिया तुसी? सारे हाथ कर दो ये वाल और पिछे हो जाए, दुआ दे लिए होनी है। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने तेरी हुजूरी में से 3 और मांगे हैं, इसे बेटियां और बेटे अता कर, कमी कमजोरी चाहती रहे, बीमारी की कब छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे यीशु के नाम से, मैं उसे बरकत देता हूँ। आमीन। चल हूँ अगले भी लेके आने नहीं। जी आपका नाम? सरदारा मेरा नाम है। सरदारा कितों आई? 20 लैन तो। अच्छा। ते मैं अपने बेटे दे पिछले साल का दुआ करके गई सा, मैं गई मैंनू खुदा खुशियां वखा ले, तो मैं अगवाई दांग। अच्छा। तो खुदा ने मैंनू हुण पोतरी दिती है। दादी नहीं, मां गवाही देनी चाहिए, दादी भी देती है। खुदा ने आपको बेटी दी है कितनी देर बाद? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद दुआओं के वसीले से खुदा ने इसकी गोद भर दी और ये बेटी अता की। जी आप आ जाए। अच्छा जी करेंगे,
इंजेक्शन खराब हो गया, उसके बाद चूल्हे का इंजेक्शन खराब हो गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन मम्मा यहाँ से दुआ करवा के गई, शुक्र है खुदावन का कि ठीक हो गई, बाजू भी ठीक हो गया और चूल्हा भी ठीक हो गया, ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर कहते जी खराब हो गया तो ऑपरेशन होगा, तो मेरे यस्सु ने उनजी ऑपरेशन कर दिया। ये है कि हमारे घर में ना दरबारों को बहुत माना जाता था, जब भी बच्चे बीमार हो कोई बीमार, हम दरबारों पे चले जाते थे। अब मेरा शुक्र है वो मेरे वाली साहब बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कि अब यस्सु के घर जाना, उनको मानना इस टीवी देखने के वसीला से, और मुझे रोना आ रहा इस बात में, मैं खुश हो रही कि मेरे बाबू ने खुद कहा कि यस्सु बाप को मानो। खुद आपको बरकत दे। यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे आए हैं जी जेड़े पहले दरबारों से जाते थे तो उन यस्सु को ला गए ने। अब वो नाम लेना भी दोबारा नहीं, अब वो कहंदी है जी अब वो गिरजा का नाम लेना भी पसंद नहीं सी करदे, ते कहते हमारे वालिद साहब ने इसी राह पे लगाया था दरबारों, दरबारों पर उनके वालिद उन्हें लेके गए थे, और आज ये बेटी बता रही है कि हमारा खानदान अब चर्च में वापस आ गया, खुदा ने लेकर आया, खुदा का शुक्र। ये खुदा आपको बरकत दे जी। आप आ जाए, आपका नाम? साइमा। साइमा किधर से आई? खुशहाल टोन से। अच्छा, क्या गवाही है? बेटा 3 साल के बाद खुदा ने, तुहाडा पर 3 साल के बाद साइमा को खुदा ने बेटा दिया जी। दुआ करनी थी जब बीमार, मैं ना वो कल रात में गल कर रहा सी, आया था मेरे घर में, मैंने कहा कि शुक्र है खुदा का बड़े बेऔलाद जोड़ों को खुदा औलाद दे रहा है। उन्होंने कहा पर सब फैसलाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, मैं कहते भी साड़ियाँ दुआव ही ने। 3 साल के बाद खुदा ने, तो बीमार अब रहता है, 3 साल के बाद खुदा ने बेटा दिया। बेटी या बेटा? बेटा। हमें से बरकत देते हैं, कमी कमजोरी जाती रहे, बीमारी की लानत जाती रहे, यीशु नासरी के नाम से, खुदा के बेटे के नाम से, खुदा तेरी कुव्वत तेरी कुदरत बड़े जोर के साथ काम करे, आमीन। चल ये क्या है, बिस्कुट ना? लो जी। जी आपका नाम? मेरा नाम महविश है और हम लोग किनालवेला से आए हैं, और हम 3.5 साल से यहाँ पर आके दुआ करते थे, और खुदावन ने जो है वो हमें बरकत बख्शी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोई डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ली, और ना ही हमें कहा गया कि आप हकीम की दवाई ले लो, डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी, तो लेकिन फिर भी खुदा ने जो है सिर्फ दुआओं से हमें बरकत बख्शी, दुआओं के वसीले से बरकत ये मिली है कि इसकी गोद भर गई है, खुदा का शुक्र 3.5 साल के बाद। और जिस दिन ये मेरे सामने आई तो मैंने इसे कहा कि जरा क्या खबर है, तो मुझे पता था कि खुदा, इसे नहीं पता था लेकिन मुझे पता था खुदा ने इसकी गोद भर दी है। मैंने पहले रूह से, खुदा ने रूह में मुझे बता दिया था कि मैंने इस बेटी को बरकत दे दी है, खुदा का शुक्र। इसने जाके टेस्ट कराए और टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे, शुक्र है खुदा का जी। आपका नाम? परवीन। भाई साहब लाइए बात से। मेरी बेटी सी थे उन्हें बवासीर सी, बड़ी दिन दवाइयां खांदी रही, आराम नहीं आया, तो इतने मैं दवा कीती है। बेटी ने बवासीर सी, बड़ी दवाइयां खादी, आराम नहीं सी आंदा, इतने आके दवा कीती है तो बवासीर खत्म हो गई है, कह रही है ना, इन्नी कोई गल सी। खुदा आपको बरकत दे। सबको सलाम जी। खुदा के खादमों को, मैं खुदा के घर से वायदा किया जो बेटी ने कहा सी कि मैं पादरी साहब ने शादी की, आज तुसी सारा मसला सही कर दे। अच्छा जी, खुदा तुहानू बरकत दे जी। हाँ सलाम पादरी जी। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले जुम्मे चर्च आई सी, मेरे ऑपरेशन बताया है, मेरे रसोली है यहाँ, तो मेरा ईमान है कि आप दुआ करेंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, तुहाडा भला, असीं तां गवाहियां लैण डए सां। चलो मैं दुआ कर देता, कमी कमजोरी छोड़ इसे, चल दफा हो जाए इसके सर से, निकल जाए इसके सर से, यीशु नासरी के नाम से सारी सोजन स्वेलिंग जाए, सारा इन्फेक्शन जाए, चल दफा हो जाए, छोड़ इसके घर को, निकल जाए इसके सर से, निकल जाए इसके जिंदगी से, यीशु के नाम से, आमीन जी। आपका नाम और आप किधर से आए? खार ककुआने से आया हूँ, हजना रोड जी जी। ते मैं सन 2022 वादा किया कि मैं सारा साल हर संडे जाना चाहना चर्च में, तो खुदा मैनू ताकत दे, तो कोई इतवार मिस नहीं किया मैं। सुन लिया जी, पिछला सारा साल गिरजे आए ने, खुदा का शुक्र हो, और मैं शुक्र मैं आंदा ही रहा जी। हाँ पक्का हो जाए फिर। अच्छा वो ना गवाही
आ कैलेंडर भी जी, 2023 का कैलेंडर है, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, 50 रुपये इसका हदिया है, ठीक है जी।